हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अधिराज सुराना और जैसा कि आप सभी जानते होंगे मैं पेशे से एक अधिवक्ता हूं। समय समय पर कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, छोटी छोटी कानूनी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता रहूँगा। इसी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक है, क्वायरियाँ आती रहती हैं लोगों की कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने सेक्शन 2 में अपराधों को दो श्रेणी में डिवाइड किया है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। ये चीज़ इसलिए भी जाननी ज़रूरी है ताकि हमें ये पता रहे कि पुलिस किन केसों में वारंट के बिना भी अपराधी को अरेस्ट कर सकती है। जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि शायद पुलिस बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, वैसा नहीं है। इस जानकारी के लिए पहले मैं सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, जिसमें अपराध की श्रेणियों को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी डिफाइन करता है कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध। कॉग्निजिबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजिबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without a warrant। यानी धारा 2C 2G cognizable offense यानी संज्ञेय अपराध को डिफाइन करता है, जैसे कि grievous offenses, murder, loot, dacoity, rape, kidnapping, ये सारे जो अपराध जो first schedule में डिफाइन किए गए हैं, इन सारे केसेस में पुलिस को विदाउट वारंट अरेस्ट करने का पावर दिया गया है। अब दूसरी श्रेणी की यदि हम बात करें, असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। और ये कौन से होते हैं? वो सारे अपराध जो कि फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की श्रेणी में नहीं आते। ये जानकारी आप तक एक बेसिक तरीके से पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑफेंसेस दो तरीके के होते हैं, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल ऑफेंसेस यानी मर्डर, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा जो ग्रीवियस नेचर के होते हैं, इसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन बाकी केसेस जो नॉन कॉग्निजिबल की श्रेणी में आते हैं, इसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपके काम आएगी। ऐसी ही छोटी छोटी कानूनी जानकारियों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें सोशल मीडिया में, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से मुझसे अपना जुड़ाव रखें। आगे आपके कोई भी कमेंट्स या कोई भी जानकारी पाने की यदि चेष्टा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर टाइप करें और मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।